टेक्निकल और फोटोग्राफी के बारे में जानने के लिए लाल बटन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए सबसे पहले वीडियो देखने के लिए। हेलो दोस्तों, मैं हूं विवेक, आप देख रहे हैं टेक्निकल फोटोग्राफी। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आज आपको बताऊंगा कि आप अपने फ़ोन में, चाहे कोई भी फ़ोन हो, तो उसमें आप पिक्चर इन पिक्चर मोड कैसे यूज़ कर सकते हैं। पिक्चर इन पिक्चर मोड जो होता है, वो ये होता है कि आप कोई भी काम कर रहे हैं तो फ़ोन में, कहीं भी आप फ़ोन में काम कर रहे हैं, लेकिन अगर आप जैसे यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं तो आप स्क्रीन छोटी करके आप फ़ोन पे कुछ भी और भी काम कर सकते हैं और उस वाली स्क्रीन को कहीं भी मूव कर सकते हैं। तो ये पिक्चर इन पिक्चर मोड होता है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आप अपने फ़ोन में, चाहे कोई भी फ़ोन हो, उसमें पिक्चर पिक्चर मोड कैसे यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले आपको प्ले स्टोर खोलना है। प्ले स्टोर में आपको एक टेलीग्राम डालना है, आप इस ऐप को जानते होंगे पहले से, तो टेलीग्राम डालना है, इसे डाउनलोड करना है आपको। तो ये मैं पहले डाउनलोड कर चुका हूँ, तो हम सीधे ओपन कर लेते हैं। तो ओपन करने के बाद क्या करना है आपको, सर्च में जाना है, ऊपर की साइड सर्च करना है टेलीग्राम ऐप में। सबसे पहले आपको रजिस्टर्ड वगैरह कर लेना है इस पर, जैसे व्हाट्सएप पर होता है वैसे ही हो जाता है। फिर आपको सर्च करना है इसमें यूट्यूब बोट, BOT बोट। यूट्यूब बोट खोलने के बाद आपको ये एक यूट्यूब बोट का चैट पेज खुल जाएगा। इसमें आपको क्या करना है, या तो आप सीधे सर्च वीडियो कर सकते हैं यहाँ से, ये आपका यूट्यूब, यहाँ से आपको सिर्फ यूट्यूब की जो वीडियो होंगी वो सर्च हो जाएगा। तो इसमें आपको ट्यूटोरियल भी बताता रहेगा कि कैसे आप सर्च कर सकते हैं वीडियो, जैसे अगर स्टार्ट करना है तो ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे स्टार्ट करने के लिए आपको इसमें, पहले आप अगर जब शुरू में स्टार्ट करेंगे तो आपको ये साइन अप करने के लिए कहेगा, तो आप साइन अप पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक जो आपका जिससे यूट्यूब साइन इन है वो साइन इन हो जाएगा यहाँ से अकाउंट आपका। उसके बाद आपको जो भी वीडियो सर्च करनी है @ करके सर्च करनी है। जैसे कई बार ये जो सर्च करता है काफ़ी स्लो करता है सर्च, या कुछ कर नहीं पाता, थोड़ा सा उसमें दिक्कत है। तो अच्छा तरीका यह है कि आप YouTube पे जाके वीडियो सर्च करो और उसका लिंक कॉपी करके इसमें पेस्ट कर दो, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो देखिए, जैसे वीडियो अगर सर्च नहीं कर रहा है तो क्या करें, आपको YouTube में जाना है। YouTube में कोई भी वीडियो ले लीजिए, जैसे ये वीडियो, ये वाली वीडियो ले लेते हैं, पहली वाली खली बली वाली। इसका लिंक कॉपी करेंगे, लिंक कॉपी करने के बाद यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, पेस्ट करके सेंड कर देंगे, तो ये आ जाएगा आपका लिंक। आपको क्या करना है, आप लिंक पे क्लिक करना ही करना, जो स्क्रीन बनी आ रही है, जो इसका फ़ोटो बना रहा था गाने का, उस पर क्लिक करना है, तो आपका यहाँ गाना चल जाएगा ये। फिर नीचे आपको ऑप्शंस देगा कई सारे, क्लोज, एक छोटी स्क्रीन, एक कॉपी का, एक ओपन इन। तो जो कॉपी के बगल वाला जो साइन है, सेकंड वाला, नीचे छोटी स्क्रीन सी बनी हुई है, उस पर क्लिक करना है आपको। तो उस पर क्लिक करेंगे तो आपकी स्क्रीन ये छोटी हो जाएगी। फिर आप अपने फ़ोन में कुछ भी करेंगे तो गाना चलता रहेगा बैकग्राउंड में विद वॉइस के साथ, और आप अपने फ़ोन में कुछ भी काम कर सकते हैं। तो देख सकते हैं, जैसे मैंने गैलरी खोली है, लेकिन ये यूट्यूब आपका बैकग्राउंड में चल रहा है। तो इसे पिक्चर इन पिक्चर मोड कहते हैं। तो इसे आप फ़ोन में, अपने कोई भी फ़ोन में, चाहे Xiaomi का फ़ोन हो, चाहे कोई भी फ़ोन हो, आप आसानी से इसे यूज़ कर सकते हैं सिर्फ एक टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करके। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये जैसे इस वाले वॉलपेपर पे कुछ ज़्यादा अच्छी तरह दिखेगा, तो मैं आपको दिखा देता हूँ ये वॉलपेपर लगा के। जैसे ये वॉलपेपर लगा दिया मैंने, तो इस पर अगर दोबारा चलाएंगे गाने को, देखते हैं दोबारा चला के, तो अगर आप उस पर सर्च करेंगे तो काफ़ी देर हो सकती है। तो इसलिए सबसे बढ़िया तरीका है, यूट्यूब पे सर्च करो वीडियो, उसका कॉपी करो लिंक और वहाँ जाके पेस्ट कर दो। तो 2 सेकंड का काम होता है, यहाँ जाके आप पेस्ट कर दोगे उसे, तो ये गाना चल जाएगा। जैसे ये गाना मैंने पहले से ही पेस्ट कर रखा है,
नीचे वाली स्क्रीन, छोटे वाली स्क्रीन पर क्लिक करना है, गाना चल जाएगा आपका। तो देख सकते हैं कुछ भी काम करो आप और वीडियो चलता रहेगा। मन देख सकते हैं आप, यहाँ पर भी आप स्क्रीन को, और इसके आप इस स्क्रीन को, छोटी सी स्क्रीन को आप कहीं भी मूव कर सकते हैं पूरी स्क्रीन पे। आप अगर किसी से चैट कर रहे हैं तो आप गाने भी देख सकते हैं साथ साथ इस तरह से। तो ये काफ़ी अच्छा एक फीचर है, तो आप इसे आसानी से यूज़ कर सकते हैं। देख सकते हैं गूगल क्रोम चलाया, गूगल क्रोम में भी आपको ये दिखेगा, यूज़ कर सकते हैं। इसके आपको इसको हटाना है तो आपको जो एक और स्क्रीन बनी हुई है उस वाली पे एक आइकन बना होगा, उस पर क्लिक करना तो हट जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लाता रहूँगा। तो दोस्तों धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, बाय।